अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यहां सरकार व प्रशासन चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। हरियाणा व ट्राइसिटी में बना पहला मेडिटेशन गार्डन पंचकुला के यवनिका गार्डन में बनाया गया है। इस गार्डन को लेकर यहां विभाग बहुत उत्सुक है, वहीं इसमें योगा व एक्सुप्रेशर पद्धति को अपनाने वाले लोगों को भी विशेष लाभ मिल रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला के बागवानी विभाग ने योग करने के लिए अनूठे बाग का निर्माण किया है। हरियाणा व ट्राइसिटी का पहला मेडिटेशन गार्डन पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित यवनिका गार्डन में बनाया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग व सलाहकार डॉक्टर सतीश नरूला के अनावश्यक प्रयासों से पंचकुला में मेडिटेशन गार्डन बनाया गया है। ये गार्डन यवनिका गार्डन में लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को योग व एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा स्वस्थ रखने में सहायक होता है। ऐसा है कि आज की जो मॉडर्न डे लाइफ है उसमें इतने हैसल्स हैं कि एक जो दिमाग की मन की शांति जो है वो होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लोगों का झुकाव जो है, रुझान जो है, हमारी कोशिश ये है कि योगा की तरफ जाए, और इसके लिए हमने फिर ये एक जगह चुनी। तो इस जगह पे एक एम्बियंस क्रिएट किया, एक माहौल क्रिएट किया। जानकारी देते हुए डॉक्टर सतीश नरूला ने बताया कि मेडिटेशन गार्डन में महात्मा बुद्ध व उनके भिक्षुओं जो उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनकी मूर्तियां स्थापित की गई है। वहीं दूसरी ओर गार्डन में विशेष प्रकार के पत्थर लगाकर फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, यानी ऐसे पत्थर जिन पर चलने से हमारे पैरों के पॉइंट्स द्वारा हमारे शरीर को सुकून मिलता है और शरीर तंदुरुस्त रहता है, को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस गार्डन में लैबिरिंथ पार्क भी बनाया गया है जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। कुछ ऐसे फीचर्स क्रिएट किए कि वो उन पे चल के, जैसे फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ वगैरह है, उन पे चल के और अपने व्यायाम करके अपना एक जो मानसिक तनाव है उसको दूर कर सके और शरीर को भी तंदुरुस्त बना सके। हमने ये जो गार्डन बनाया है इसमें हमने क्रिएट किया है एक फैसिलिटी जो क्रिएट की है, उसमें हमारी ये कोशिश रही है कि मैं आदमी जो है वो नेचर के ज़्यादा करीब रहे। तो इसमें जो रास्ते भी हैं वो हमने अभी पक्के नहीं किए हैं, इसको हमने पक्का नहीं किया है, ताकि मिट्टी के ऊपर नंगे पांव चल के वो धरती से जुड़ जाए आदमी और नेचर के इतना करीब आ जाए कि उसको एक इटर्नल शांति मिले। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बागवानी विभाग के अधीक्षक अभियंता हरदीप सिंह मलिंग ने बताया कि यवनिका गार्डन में बनाए गए मेडिटेशन गार्डन पर अनुमानित 10 लाख रुपये खर्च हुए हैं। योग करने वालों को यहाँ आकर एकांत स्थान प्राप्त होगा, वहीं एक्यूप्रेशर पद्धति से भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस गार्डन को देखकर लोगों ने शहर के अन्य गार्डन में इस तरह के गार्डन बनाने की मांग भी की है। हरियाणा के अन्य शहरों में भी इस तरह के पार्क बनाए जाएंगे। इसमें मेडिटेशन के कुछ स्पेस दिए गए हैं, उसके अलावा एक्यूप्रेशर के लिए भी इसमें काफ़ी हमने स्पेस क्रिएट किए हैं, ताकि लोग आएँ और मॉडर्न साइंस जो कहते हैं भी एक्यूप्रेशर एक बड़ी अच्छी है बॉडी की फिटनेस के लिए, तो उसका लाभ उठाएं और लोग वाकई काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। योगा तो खैर इसमें नहीं है, मेडिटेशन है इसमें, लेकिन एक्यूप्रेशर के जो हमने स्पेस क्रिएट की हैं वो जस्ट लाइक योगा ही कह लें आप उसको, योगा का अलग यूज़ है, ये एक्यूप्रेशर का अलग यूज़। इसका यूज़ को देखते हुए डिमांड कर रहे हैं हमारे सेक्टर्स, 26 एक्सटेंशन एरिया जो पंचकुला में घगर के उधर सेक्टर्स हैं वहाँ भी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। हर्बल पार्क में हैं, इसमें लगाए हुए हैं हर्बल प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, प्रेगनेंट इसमें क्रीपर्स भी लगाए हुए हैं, अदर ग्रुप भी दिए हुए हैं शर्ब्स के हमने। बहरहाल इस गार्डन में कई तरह के हर्बल पौधे लगाए जा रहे हैं, साथ ही गार्डन के चारों ओर भीनी भीनी सुगंध देने वाले फूलों की बेलें भी लगाई गई हैं। साथ ही विकास के मद्देनजर इस तरह की पहल एक अच्छा कदम है। पंचकुला से कैमरामैन गीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डीएन नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।